तो 1980 के अंदर हमने हॉलीवुड की फिल्म किया, बड़े बड़े स्टार, जेम्स बॉन्ड नाम सुना होगा, ग्रेगरी पैक माने हुए कलाकार जो इंग्लिश फिल्मों के शौकीन है वो जानते हैं, डेविड नेविन, बारबरा हीरोइन, वो सब हम मिलके एक टेबल के ऊपर साथ में बैठ के खाना खाते थे। और कभी कभी लोग मुझे पूछते थे, अभी भी पूछते हैं कि क्या मिलता था। अगर मैं बताऊंगा क्या मिलता था तो अभी सबके मुंह में पानी आ जाएगा और कहीं पीछे पीछे मेरा लगे नहीं, हमेशा कुछ जैक लगा दूँ ना अपना भी। अच्छा, बम्बई से मैं घर जाता था अपने घर, तो जितना जोड़ कपड़ा मैं लेके गया हूँ इतने दिन रहने का, क्योंकि एक बार कपड़ा पहना वो दूसरी बार गांव में नहीं पहनने का, बड़ा आदमी है। क्या फजल करीम भाई ने जब बयान ख़त्म किया उसके बाद में वजू करने के लिए बैठे और मुझे भी ऐसा लगा चलो मैं भी वजू कर लूँ, तो एक तरफ वो बैठे एक तरफ मैं बैठा हूँ, तो ये बात ने मुझे बड़ा मुतासर किया। पहली बार गया था न तबली को जानता है न क्या है, नहीं मुझे पता ही नहीं था, मैं तो खाने के लिए गया था, वहाँ पर खाने के नाम से ले गए थे, ने मसाला खाना भी खिलाया, बिरयानी फर्स्ट क्लास बनाई। जी दुरूद शरीफ पढ़ने एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबीय्यिना मौलाना हबीबिना मुहम्मद बारक सल्लम। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह पाक ने एक अहम अमल हमसे करवाया, देखने के एतबार से बहुत सीधा साधा अमल था ये, लेकिन इसमें कितनी खैर है वो तो अल्लाह को मालूम है, क्योंकि हर अमल के अंदर कुछ ना कुछ खैर छुपी हुई है। अल्लाह वाले तो देख भी लेते हैं, अल्लाह पाक ने जिसको देखने वाली आँख दी है, हम तो अंधे हैं, हम तो हमारे पीछे क्या हो रहा है हमें पता नहीं है कि मेरे पीछे बाल कितने बड़े हैं, छोटे हैं, काले हैं, थोड़े हम नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह पाक ने कुछ लोगों को सलाह दी है तो देख लेते हैं क्या हर अमल के अंदर कितनी खैर है। पता नहीं अल्लाह पाक ने दुनिया के कौन से इलाके को इस अमल की बुनियाद के ऊपर हिदायत पे डाल दिया होगा, मैं आप सोच नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम है हिदायत का काम है, हिदायत फैलने का काम है, अल्लाह तो बस थोड़ा सा उसको जरिया बना लेते हैं, और इसके लिए हमारा इस्तेमाल हुआ है अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर हुआ। देखो हमको बयान करना नहीं आता, आप लोग तो बड़ी उम्मीद के साथ बैठे होंगे कि चलो अच्छा बयान, गुजरात वाले तो बहुत अच्छा बयान करते हैं, लच्छेदार बात होगी, मज़ा आएगा, हमको बयान नहीं आता और बयान करना हमारा हक भी नहीं है, हम क्या बयान करें, बयान करने वालों ने तो अपनी ज़िंदगी खपा दी है, उलमाए किराम का काम है, अल्लाह उनसे काम भी लेते हैं और वो बयानात करते हैं, और वो ऐसे बयानात करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। हम जो बात करेंगे ना वो तो हमारा एक्सपीरियंस जो होगा, ये अल्लाह पाक ने जो अभी हमको जोड़ा है ना, वो तो कौन सी बुनियाद पे जोड़ा है, एक दावत की मुबारक मेहनत की सर, उसके लिए हम जोड़े हैं, वरना ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते, कहाँ हमारा इलाका, कहाँ आपका ज़िला, और वहाँ से यहाँ और ये मकान, ये सिर्फ दावत की बुनियाद पे है, तो हमारा जुड़ना हुआ है दावत की निस्बत पे, और ये ऐसी मुबारक मेहनत है, ऐसी मुबारक मेहनत है कि इसके ज़रिए हर अमल ज़िंदा होता है, और इस अमल से लोगों की ज़िंदगी बदलती है। हमने कई लोगों को देखा है ज़िंदगी को बदलते हुए, एक इलाके के अंदर हम गए थे, वहाँ इज्तिमा था, इज्तिमा के अंदर तो आप गए हैं कि नहीं कभी इज्तिमा में, कितना मजमा होता है,
वो जैसा इलाका और जैसा इज्तिमा, हज़ारों का मजमा होता है। तो हम बैठे हुए थे मजमे के अंदर, मेरे साथ मेरा एक पहचानने वाला साथी, वो मुझे जानता था मेरी लाइफ को, वो बैठा हुआ था, और एक मौलाना जैसे स्टेज के ऊपर से बात कर रहे थे, और धुआंधार बात थे भी पठान के जैसे। तो मेरे साथ में जो साथी था उसने मुझे कहा कि भैया जानते हो कौन है? तो मैंने कहा कि कोई जैद आलिम है। तो कहे नहीं नहीं, ये जैद आलिम नहीं है, ये मोहन साइगल है। मेरे पैरों के तरह से ज़मीन खिसक गई कि मोहन साइगल, क्योंकि उनके साथ मैंने काम किया था, उनकी एक फिल्म के अंदर मुझे बुलाया था। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं यानी सोचने में मजबूर हो गया कि क्या हो लिया, पता ही नहीं चला कि नया मुसलमान है। यूसुफ खान नाम रखा था उनका, और स्टेज के ऊपर बयान कर रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े उलमा बात करते हैं। शकल सूरत सारा चेंज हो गया है, आदमी सोचने पे मजबूर हो जाए कि अल्लाह पाक ने क्या 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 कमाल किया उसके साथ में। क्या अर्श से उठाकर जैसे फर्श पे पहुंचा दिया, फर्श से उठाकर अर्श पे उठा दिया। क्या इज्जत की मेयार हो गई। जिस जमाने में मैंने उनके साथ काम किया हम इज्जत से नहीं देखते थे, फिल्म लाइन वाले सब उनका कंजूस समझते थे। तो खाना भी लावे ना दोपहर को, खाने का जो होता है ना, तो अगर होटल में खाना खाएंगे तो काम क्या हर्जा होता है, और वहाँ तो एक एक सेकंड की काउंटिंग होती है। तो रोटियाँ और गोश्त रोटी ले आवे, तो एक बोटी दो रोटी उनका नाम रख दिया था हमने। भाई किसके पास जाना था कि एक रोटी दो, ये इज्जत थी उनकी। और अल्लाह पाक ने कैसी इज्जत बनाई कि मेरे जैसा आदमी समझने लगा कि बड़ा आलिम है। तो बड़ा आलिम किसने बनाया उसको? खुदा की कसम, ये हमारी छोटी छोटी जो नकल हरकत होती ना, इसकी बरकत से अल्लाह पाक ने उसको ज़मीन से, लोग इज्जत के साथ नाम लेते हैं। बाकी किसको वहाँ पे मौका मिलेगा ऐसा बात करने का, स्टेज के ऊपर वो भी। ये काम है, लोगों की जिंदगियां बदली है अल्लाह ने इस काम के जरिए से। कैसे कैसे और कैसे कैसे लोगों से अल्लाह काम ले रहा है, ये जो जबान से बोल नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, ऐसे लोगों से अल्लाह काम ले रहा है। अफ्रीका के अंदर इज्तिमा था, तो वहाँ मजमा मामूली नहीं होता है, 50,000-60,000 का मजमा होता है इज्तिमा के अंदर। तो वहाँ पे हमने देखा एक ऐसा इससे बड़ा टेंट, ये तो बहुत छोटा है, सिर्फ नाबीना लोगों के लिए बनाया था कि यहाँ पे सिर्फ नाबीना रहेंगे। हर एक अलग अलग वो पंडाल बनाते हैं, मतलब मंडप जैसा बनाते हैं ना, और रहाइश के लिए, हमारे टेंट बोलते हैं उसको, इंग्लिश में टेंट बोलते हैं। तो सिर्फ उसमें कौन रहेंगे? नाबीना, आँख नहीं, आँख नहीं है। अरे आँख नहीं है तुम यहाँ क्या आए, क्यों आए भाई? देखने के लिए आए तो आँख होना चाहिए, तुम यहाँ के क्या करोगे, ठोकरें खाओगे रास्ते में? लेकिन अल्लाह उसे काम ले रहा है। वो इज्तिमा के अंदर वो बेचारे जब चलते थे ना, 10 बार का एक साथ में चलते थे, एक के खंडे पे दूसरे ने हाथ रखा दूसरे के, और एक आंख वाला जो होता है ना रहबर उनका, वो आगे रहता है। वो ट्रेन बचपन के अंदर बच्चे खेलते हैं ट्रेन ट्रेन, पीछे से पकड़ लिया और चली ट्रेन। तो जहाँ देखो, और बारिश के अंदर एक कीड़ा निकलता है बहुत सारे पैर वाला ट्रेन के जैसा, वो मंजर ऐसा था कि उसको देख कर आँखों में पानी आ जाता था कि अल्लाह क्या काम, तुमने किससे किससे काम ले रहा है।
कि कैसे लोगों से काम ले रहा है। जोबक के मरकज के अंदर हम बैठे हुए थे, मेरा 4 महीने के अंदर चल रहा था, एक चिल्ला पूरा हो गया था, शायद दूसरा भी चिल्ला पूरा हो गया था और एक चिल्ला और बाकी था। हम बैठे हुए थे वहाँ पे, तो हमारे पड़ोसी मुल्क वहाँ से एक जो सुन नहीं सकते जो बोल नहीं सकते उनकी जमात आई, वो इशारों से बात करते हैं, इशारों से समझाते हैं, उनके जो रहबर होते हैं ना, उनके जो क्या बोलते हैं अपने तर्जुमान, तो वो अपनी लैंग्वेज के अंदर लोगों को समझा दे कि भाई क्या कह रहे हैं, तो इशारों से बात करते हैं, आँखों के अंदर पानी आ जाता है देखकर। आए हम तो बैठे हुए थे, जमात आई, इस्तकबाल किया उनका, गए अंदर, पेशाब पानी से फारिग हो गए, दो रकात नमाज पढ़ के मशवरा किया, मशवरा करके आराम का कि चलो भाई ताका जा, भी थके हुए साथी तो आराम कर लो। तो सारे साथी तो आराम में लग गए, उसमें से 2 साथी जो जब बोल नहीं सकते जो सुन नहीं सकते वो निकले बाहर। हालांकि शहर से वाकिफ़ नहीं है, पहला ही दिन है, 1 घंटा भी नहीं हुआ है और हम मुलाकात के लिए जाएंगे। अभी हम वहाँ से उठे नहीं हैं जहाँ बैठे थे, और 2 बंदों को अपनी बिरादरी के पकड़ के लाए कि वो भी बोल नहीं सकते थे लेकिन अपनी लैंग्वेज जान सकते थे। अच्छा। अल्लाह पाक ने एक अजीब निज़ाम चलाया है, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे कहीं का भी हो, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इशारे समझ सकते, अपनी लैंग्वेज समझ सकते। और इतने खुश थे वो बाहर के मेहमान जो आए थे वो भी, और वो भी हंसते खेलते बस आ रहे थे। हम तो वहीं बैठे थे, अभी वहाँ से उठे ही नहीं थे, और हमको दिखा रहे थे इशारे से, यानी बैरून के लिए तैयार होकर आए हैं, पासपोर्ट दिखाया कि पासपोर्ट लेके आए हैं। तो अल्लाह उनसे काम ले रहा है, तो हमारे जैसे बड़े बड़े बयान नहीं करते। ये तो अल्लाह ने बहुत एहसान किया हमारे ऊपर कि हमारे जैसों को, तो अभी तो थोड़ा सा आदमी मजा, बुरा मजा हमने चखा ही नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी हवा लगी है। अल्लाह ऐसे लोगों से काम लेता है और वो हमसे बेहतर काम करते हैं। हम होते तो क्या करते, अभी थके हुए हमेशा, अगर तकाजा भी आ जाता ना तो एक दूसरे के पीछे छुपते कि कहीं मेरा नंबर नहीं लग जावे, ज़रा आराम करेंगे। और वो आराम करने के लिए कहाँ है, और वो बोले आराम कैसे, आराम के लिए थोड़े आए, आराम तो कब्र में करना है। वो निकल गए, 2 को पकड़ के लेके आए कैश। तो भाई काम लोगों की ज़िंदगी बदल रहा, 1-2 नहीं कई वाक़ियात ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने इस मुबारक मेहनत के ज़रिए से, जो हमको बिल्कुल मामूली सी, उनका हम बिल्कुल मामूली समझते हैं कि शोर शराबा नहीं है, इसमें आवभगत नहीं है, इसके लिए बड़े बड़े स्टेज नहीं सहने पड़ते, फूलों का इंतजाम नहीं करना पड़ता है, और अल्लाह पाक ले रहा है काम। तो सीधे सारे काम के अंदर अल्लाह ने हज़ारों की बल्कि करोड़ों की हिदायत छुपाई, और उसके अंदर हमारा इस्तेमाल हो जावे। अमीर साहब ने तो कहा था कि अपनी कारगुजारी सुनाना, लेकिन सोचते होंगे कि कब निकलेगा कब निकलेगा। तो भाई मैं भी ऐसा ही था, तबलीगी हवा हम जब को नहीं लगी थी ना, तब आसमान के अंदर उड़ते थे, हमारे पैर ज़मीन पे नहीं थे, हमारे पैर, हम जब रात को सो जाते थे और सुबह में उठाने के लिए जब आते थे और दूध का गिलास हाथ में नहीं है तो हम नहीं उठते थे। सांप को दूध पिलाएंगे तो उठेंगे, तो बैटी होते ना, बैटी सुना ना, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, बैटी बैड यानी पलंग, तो पलंग से उठने के साथ में जो चाय पीते हैं उसके बैटी बोलते हैं। चाय पियो या कॉफ़ी जो भी है वो, तो सांप उठेंगे, सांप उठो सांप उठो, हाँ उठते हैं, सब तैयार हो जाओ गाड़ी आएगी अभी। और कभी कभी लोग मुझे पूछते थे, अभी भी पूछते हैं कि क्या मिलता था,
अगर मैं बताऊंगा क्या मिलता था तो अभी सबके मुंह में पानी आ जाएगा, और कहीं पीछे पीछे मेरा लगे नहीं, हमेशा कुछ जैक लगा दूं ना अपना भी। जिस ज़माने के अंदर एक मज़दूर को अच्छे से अच्छी मजदूरी मिले, वो कितनी थी? 5 रुपया। तो 1980 के अंदर हमने हॉलीवुड की फिल्म किया, बड़े बड़े स्टार जेम्स बॉन्ड, नाम सुना होगा, ग्रेगरी पैक, माने हुए कलाकार जो इंग्लिश फिल्मों के शौकीन है वो जानते हैं, डेविड नेविन, बारबरा हीरोइन, वो सब हम मिलके एक टेबल के ऊपर साथ में बैठ के खाना खाते थे। तो दूसरे दिन मैं चटाई लेने के लिए मार्केट में गया और मार्केट से चटाई लेके आया, और 15 दिन तक प्रैक्टिस किया चटाई के ऊपर सोने की घर में। उनकी शूटिंग हमने दिल्ली में किया था, निजामुद्दीन मरकज के पास से रोज़ाना हमारा जान आना था, लोडी होटल, होटल का किराया भी कंपनी देती थी। उस ज़माने में हमारी जो वहाँ की फेमस करीमी होटल है दिल्ली की, बिरयानी बहुत फेमस है वहाँ की, तो 5 रुपये में पेट भर के हम बिरयानी खाते थे। तो हमको उस वक्त खाने के लिए 80 रुपये रोज़ के मिलते थे। कितने? ये पगार नहीं, ये सिर्फ खाने के लिए, ये एक दिन का आपका खर्चा है। उसमें से हम दोपहर का खाना तो वही लेके आते थे, कि अगर वहाँ दोपहर में खाना खाने चले गए तो काम रुकेगा, तो खाना हमारा वहाँ आते वो कंपनी की तरफ से, और रात को 5 रुपये में खाना खा लेते थे हम, वो भी 5-स्टार होटल जैसे होटल, करीबी होटल, निज़ामुद्दीन मरकज के पास में होटल है, चांदनी चौक में भी एक होटल है उनकी ब्रांचेस से। तो कितने पैसे हुए? और एक हफ्ते का काम करने का, सिर्फ एक हफ्ते का पगार 1000 रुपया हमको देते थे, 1000 पगार, और 580 रुपया, 560, 56, 507 रुपया। और फिर मैं रिकॉर्डिंग करता था, तो रिकॉर्डिंग करने के एक दिन के 150 रुपये अलग से लेता था, सेकंड यूनिट। बारिश की तरह पैसे बरसते थे, कैसे? बारिश होती ना, बारिश की तरह। मैं जब शूटिंग करके सुबह जाता था काम के लिए, तो सुबह में जब मैं पैसे नहीं ले जाता था, तो उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि पूरे महीने का हम टिकट बनवा लेते थे सीजन पास, और शाम को वापस आते थे तो हमारी जेब भरी रहती थी। और पैसे जब आएंगे तो रखेंगे कहाँ पे, क्योंकि सुबह में तो खाली जेब जाना है, तो किसको देंगे? अरे बोलते नहीं, आप भी बोलो थोड़ा थोड़ा, किसको खुश करने के लिए? अरे घर वाले को बोलो, तो बड़ी खुश। अब जब मैंने इरादा किया लाइन छोड़ने का, और क्यों किया? जिस मोहल्ले के मस्जिद के अंदर मैं नमाज़ पढ़ता था कभी कभी, और जुमा की नमाज़ पढ़ लिए तो अल्लाह के ऊपर एहसान किया, जुमा की नमाज़ पढ़ लिए तो यही समझ लेके हमने, और नमाज़ पढ़ने के आने के बाद में फ़ौरन मैं कपड़े बदलता था। पूछो ना भाई क्यों? क्योंकि अस्थिर ख़राब हो गई, अस्थिर ख़राब हो गई, ये कपड़े पहन के बाहर नहीं निकल सकते, कपड़े बदलो, और दिन में 5 तो पढ़नी नहीं है, अगर 5 पढ़े तो वो बीवी कंटाल जाती, 5 जोड़े हैं, 5 जोड़े। अच्छा, बम्बई से मैं घर जाता था अपने घर, तो जितना जोड़ कपड़ा मैं लेके गया हूँ इतने दिन रहने का, क्योंकि एक बार कपड़ा पहना वो दूसरे बार गांव में नहीं पहनने का, बड़ा आदमी है ना।
हमारे घर वाले अम्मी वगैरह देख लेते कि कितने जोड़ कपड़े लाए भाई, तो 4 जोड़ कपड़े हैं, तो बोले 4 दिन रहेंगे। तो अपना जो जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो हाई फाई जिंदगी। अब जब दावत की मुबारक मेहनत चली, जैसे अभी अपने करके आए ना, ऐसे एक मौलाना ने मुझे कहा कि वली भाई आज आपको आपकी दावत है। और दावत बोले तो हमारा तो ज्ञान वहीं जाता है, दावत चलो खींचने को मिलेगा, तैयार हो गए। तो वहाँ करीब में मरकज़ है कुर्ला पाइप लाइन रोड के ऊपर बम्बई में, 2-3 मरकज़ है, उसमें का एक मरकज़। तो वहाँ फजले करीम भाई की बात थी, शायद लोग जानते हो उनको, यहाँ सफ़र हुआ हो, अहमदाबाद के जो दौन है थे उनके चचा, और उनकी हालत वो भी पहले से ही थी, रिक्शा चलाते थे, आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन पुलिस वाले की मजा नहीं उनकी आंखों के अंदर आंखें डाल के बात करे। पुलिस वाले खड़ा रहता है ना चौराहे पे, और ऑटो के अंदर अगर 3 सवारी से ज़्यादा है तो चलान टिकट। तो पुलिस वाला देख रहा है कि फजलू आ रहा है, उनका नाम फजलू, फजलू के नाम से जानते थे लोग, फजले करीम भाई तो बाद में बने, फजलू आ रहा है। तो वो अपनी निगाह फेर लेता था कि मैंने तो देखा ही नहीं, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर कोई आँख में आँख डाले तो उसकी आँख फोड़ दे। फिर अल्लाह पाक ने काम में लगाया तो कहाँ से कहाँ पहुँचा, और क्या बात करते। उनका पहला ही बयान था वहाँ पे, मेरी ज़िंदगी का पहला बयान हमने फजल करीम भाई का सुना मरकज़ के अंदर। अब पहली बार गया था, न तबली को जानता है न क्या है, नहीं मुझे पता ही नहीं था, मैं तो खाने के लिए गया था वहाँ पे, खाने के नाम से ले गए थे, न मसाला खाना भी खिलाया, बिरयानी फर्स्ट क्लास बनाई थी। वहाँ अतराफ के अंदर बेकरी है, बेकरियाँ हैं, तो बेकरी के अंदर वो नान कढ़ाई को सेकते हैं ना तो उसकी खुशबू आती। तो मैंने वहाँ का एटमोसफियर देखा, क्या क्या खुशनुमा वातावरण, हाँ 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 माशाल्लाह, मैं बोला कोई यहाँ तो ये कोई जगह ही निराली है, मुतासिर हुआ मैं। दूसरी बात ये देखी मैंने कि फजले करीम भाई ने जब बयान ख़त्म किया उसके बाद में वजू करने के लिए बैठे, और मुझे भी ऐसा लगा चलो मैं भी वजू कर लूँ, तो एक तरफ वो बैठे एक तरफ मैं बैठा हूँ। तो ये बात ने मुझे बड़ा मुतासिर किया, ये बात ने मुझे बड़ा मुतासिर किया, इतना बड़ा आदमी इतने मजमे को बयान कर रहा है, तो आदमी समझता था और ना आगे पीछे कोई, क्योंकि हमारे तो हरेक के पीछे आगे पीछे साहब साहब साहब, और यहाँ कोई साहब कहने वाला है ही नहीं। तो सादगी ने मुझे मार दिया, मैं वहाँ जबा हो गया, और 3 दिन का इरादा किया है। तो मुझे पता नहीं 3 दिन में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या और कहाँ ले जाते हैं, लेकिन सबने कहा कि इरादा करो, मैंने 3 दिन के लिए तैयार हूँ। और वो हिंसा वाला इरादा नहीं था, तो तालने वाला, क्योंकि चोट लग चुकी थी, अभी घर पे आया, इरादा किया है, फिर सोचने में पड़ा कि यार ये तबलीग वाले से बोलते हैं कि चटाई पे सोते हैं, और चटाई पे नींद कैसे आएगी, 15 दिन के बाद तो जाना है। तो दूसरे दिन मैं चटाई लेने के लिए मार्केट में गया, और मार्केट से चटाई लेके आया, और 15 दिन तक प्रैक्टिस किया चटाई के ऊपर सोने की घर में। तो घरवाली ने देखा कि कुछ दिला लगन कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे पूछने लगी क्या प्रॉब्लम है, कमर में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है तो आप कुछ उसका इलाज करें, बोला तेरे समझ में नहीं आएगा। मैं बोला अभी मेरी समझ में नहीं आया, तेरी समझ में कहाँ से आएगा। तो 15 दिन तक हमने प्रैक्टिस किया है चटाई पे सोने की। तो होटल में जाते थे तो एक जो गड्ढा होता है ना, तो होटल वालों को कहते रहे और एक डाल उस पर, लेकिन अल्लाह पाक ने कि धीरे 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 लिबास चेंज हुआ, जबान चेंज हुई, जबान के अल्फाज चेंज हुए,
और फिर जहाँ शूटिंग के लिए जाते थे वहाँ भी सबसे पहले हम देखते थे नमाज, नमाज का औकात, मुसल्ला बैग के अंदर, और जहाँ भी मौका मिला वहाँ बिछाया। तब्दीली आ गया, पूरी ज़िंदगी बदली धीरे धीरे धीरे, एक साथ में नहीं हो गए। और लिबास पहले वो कुर्ता पायजामा जैसे आप पहनते ऐसा सिलाया, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, फिर नीचे तक पहुँच गया। वो सफ़र हुआ दुबई का तो नीचे चला गया। तो ये जो लोग छोटे छोटे जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं ना, इसकी असरात है। अल्लाह लोगों की ज़िंदगी ऐसे बदलते हैं।